यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले संसद के सत्र में भारत सरकार 3 कानून लेकर आई थी। एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम और दूसरा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ संशोधन, ऐसे लगभग 3 कानून भारतीय संसद ने पारित किए। कृषि के क्षेत्र में ये 2 कानून हैं जिसमें कृषि उपज का व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है और उनके मूल्य आश्वासन से संबंधित है। इन दोनों कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा में 4-4 घंटे सभी दलों के जो सांसदगण हैं उन सब ने अपना स्वच्छंद होकर विचार व्यक्त किया, पक्ष और विपक्ष ने। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 4 घंटे की चर्चा पूरी हुई और उस समय जब मेरे जवाब देने की स्थिति खड़ी हुई तो प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने उस दिन बहुत ही एक अभद्र घटना को अंजाम दिया जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा काले धब्बे के रूप में अंकित रहेगी। लेकिन दोनों कानून पारित हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजे गए और उनके हस्ताक्षर के बाद आज ये देश भर में लागू हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में योजनाओं के माध्यम से और अनुदान के माध्यम से काफी कुछ करने का प्रयत्न किया जाता रहा है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश गांव तक और खेत तक पहुंचे इसकी संभावनाएं ना के बराबर थी। और कानून के माध्यम से भी जो बंदिशें थीं वो खुलें इसका देश भर को इंतजार था। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार खेती किसानी आगे बढ़े, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, कृषि के क्षेत्र में निवेश हो, कृषक को आय सहायता के रूप में और अनुदान दिया जाए, योजनाओं को परिष्कृत किया जाए, इसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ। आप सबको मालूम है कि 2014 से पहले सभी पत्रकारगण यहाँ मौजूद हैं, यूरिया की सीजन पर भयानक किल्लत होती थी और जब यूरिया की जरूरत राज्य को होती थी उस समय मुख्यमंत्री डेरा डालकर दिल्ली में बैठते थे कि हमको पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल जाए। यूरिया की कालाबाजारी होती थी और देश के अनेक स्थानों पर पुलिस लगाकर यूरिया बांटने का काम किया जाता था। कई बार ऐसी घटनाएं भी आती थी कि रेलवे स्टेशन से यूरिया लूट लिया गया, बीच में कोई यूरिया का ट्रक जा रहा था उसको रोक लिया, क्योंकि लोगों को यह रहता था कि अगर यह सामने से निकल गया तो यूरिया नहीं मिलेगा। मोदी जी ने यूरिया को नीम कोटिंग किया और गत 6 वर्षों में कोई भी यूरिया की किल्लत देश को नहीं हुई, किसान को नहीं हुई। सुचारू रूप से यूरिया की
पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती रही, और इसलिए ऐसे तमाम सारे विषय हैं जिनको 6 साल में किया गया, मैं उनको आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन सारे विषयों को करते 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 इस बात की देश को अपेक्षा थी कि कानूनों के माध्यम से भी हमको कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस मामले में पहले अनेक बार सरकारों के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, स्वामीनाथन साहब जैसे विद्वानों के माध्यम से ये रिकमेंडेशन की जाती रही। ये कानून आए तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की ये कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो और मंडी की परिधि के बाहर वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अभी कोई भी कानून इस बात को प्रावधित नहीं करता कि 3 दिन के भीतर उसके उपज का कीमत बेचने के बाद उसको भुगतान हो जाएगा, लेकिन इस कानून में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। मूल्य आश्वासन की दृष्टि से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नया विषय नहीं है, अभी तक कानून नहीं था लेकिन फार्मिंग हो रही थी, उसके अनुभव भी अच्छे हैं। हम लोगों को लगता था कानूनी प्लेटफॉर्म देंगे, इसका फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, अपनी जोखिम को प्रोसेस पर ट्रांसफर करने में सफल होगा, बुआई के समय उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी और किसान को और किसान की भूमि को कानून में पूरी तरह से सुरक्षा देने का प्रबंध किया गया। यदि विवाद भी हो प्रोसेसर और किसान के बीच में तो SDM 30 दिन के भीतर उसका निराकरण करेगा, उसे कानून में बांधा गया। और साथ ही साथ यह भी कानून में प्रावधान किया गया कि निर्णय अगर कभी किसान के विरुद्ध भी जाता है तो उससे वसूली सिर्फ आदान की कीमत की हो सकती है, उसके अतिरिक्त नहीं हो सकती, और उसकी वसूली का कोई भी निर्देश SDM के द्वारा किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। किसान की भूमि सुरक्षित रहे इस दिशा में सरकार ने पर्याप्त विचार विमर्श किया और किसान को पूरी तरह सुरक्षित करने में प्रावधान किए। लेकिन आप सबको ध्यान है कि ये कानून का देश भर में स्वागत हुआ और देश भर में एक नई उत्साह और उमंग के साथ लोग काम करने के लिए आए, और बीच में कई ऐसे भी उदाहरण हम सब लोगों के सामने आए हैं कि अगर भुगतान का विषय आया तो इस नए कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र के किसान का, बड़वानी मध्य प्रदेश का जिला है, वहाँ SDM ने इस कानून के अंतर्गत तत्काल भुगतान कराया। ओपन ट्रेड में जो किसान गए उसका फायदा भी, वो व्यापारी गए और किसान दोनों ने जब ट्रेड की तो निश्चित रूप से किसान को बढ़ी हुई कीमत मिली, और ये सिलसिला चल ही रहा था। लेकिन बीच में इन विषयों को लेकर कुछ किसान और कुछ यूनियंस आंदोलन की राह पर आ गई। पंजाब के किसान यूनियन के जो लोग थे उनके साथ 14 अक्टूबर को सचिव के स्तर पर बातचीत हुई, 13 नवंबर को मैं स्वयं उपस्थित रहा, और साथ ही हम लोग लगातार चर्चा के लिए तैयार थे, विषयों को लेकर वार्ता चली रही थी। और इसी बीच में 26 और 27 के आंदोलन
की घोषणा हो गई। फिर हम लोगों ने 3 दिसंबर की बातचीत का निमंत्रण किसान यूनियन को भेजा। चूंकि किसान आ चुके थे, रास्ता बाधित था, ठंड का मौसम था, कोविड का भी संकट था, और इसलिए सोचा गया कि वार्ता जल्दी करनी चाहिए, तो 3 दिसंबर के स्थान पर 1 दिसंबर को की। 1 दिसंबर के बाद फिर 3 दिसंबर को की। 3 दिसंबर के बाद फिर यह तय हुआ कि 5 दिसंबर को करें, तो 5 दिसंबर को वार्ता का क्रम चला, और फिर यह तय हुआ कि 7 तारीख को हम दोबारा से इन विषयों को लेकर बैठेंगे और कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन बीच में ही 6 तारीख को, 9 तारीख की रात को फिर बातचीत हुई, 8 की रात को बातचीत हुई, और बात में फिर एकदम ऐसी परिस्थिति बनी कि उनकी तरफ से कोई सुझाव आ ही नहीं रहा था। तो अंतोगत्वा हमको यह लगा कि भाई किसानों के कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर उनके मन में शंका है, तो चूंकि इतने दिन चर्चा हो चुकी है और कुल मिला के वो आखिरी में एक ही बात पर आते हैं कि एक्ट को रिपील कर दो, हम लोगों का लगातार ये आग्रह रहा कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधान वार हम चर्चा कर लें, और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए, तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए, और उस पर यह हुआ कि भाई हाँ, ये मुद्दे तो चर्चा में हैं। तो उन मुद्दों का सिलसिलेवार हम अपना प्रस्ताव बनाकर उनको भेज दें, ये विचार हुआ। और आपने देखा कि हम लोगों ने उनको मुद्दों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है, और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और हमने ट्रेड से संबंधित ही अपने कानून को सीमित रखा है, और APMC इस कानून से कहीं भी प्रभावित नहीं होती, MSP भी कहीं भी प्रभावित नहीं होती। और ये सब उनको बताने की कोशिश की, और फिर उनको हमने ये लिखकर भेजा कि केंद्र सरकार को किन किन कानूनों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार से बातचीत में ध्यान में आता था कि उनको ऐसा लगता है कि ये नया जो ट्रेड एक्ट आया है, इस एक्ट में उनकी जो APMC है वो प्रभावित होगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाहर टैक्स नहीं होगा और APMC के भीतर टैक्स है, तो धीरे धीरे ये मंडियां दिक्कत में फंस जाएंगी। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि वैसे तो कुल मिला के जो टैक्स किस लगता है जब किसी भी ट्रेड पर, तो व्यापारी टैक्स की वसूली किसान से ही करता है। अगर टैक्स नहीं लगेगा, इसका फायदा अंततोगत्वा किसान को होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो हम लोग इस पर विचार करने को तैयार हैं, और इस आशंका पर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी लागू कर सकेगी, और साथ ही ऐसी मंडियों पर राज्य सरकार जो मंडी के भीतर का टैक्स है उसके हिसाब से ही वो बाहर की
प्राइवेट मंडी पर भी टैक्स लगा सकेगी, तो उनकी इस आशंका को भी निर्मूल करने की हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में कोशिश की है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। सरकार उस मामले में ये सोचती थी कि व्यापारी भी और किसान भी इंस्पेक्टर राज और लाइसेंसी राज से बच सकेंगे और थोड़ा खुला प्रावधान करना चाहिए जिससे हर चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि पैन कार्ड तो किसी पर भी होगा और कोई भी खरीद के भाग जाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको ये आशंका है तो इसको भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। तो इस आशंका को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव उन्हें दिया कि इस शंका के समाधान हेतु राज्य सरकारें इस प्रकार के पंजीयन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको प्रदान की जाएगी और जिससे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार नियम बना सके। यद्यपि इस प्रकार का नियम बने और इस प्रकार की व्यवस्था हो, ये प्रावधान हमारे एक्ट में था। जब ये व्यवस्था जो हमने बनाई थी, अगर इस पर शंकाएं कुशंकाएं उठने लगती तो केंद्र सरकार को कानून में ये अधिकार था कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए वो निर्देश दे सकें। लेकिन फिर भी हमने इस समस्या को भी उनके एड्रेस करने की कोशिश की। दूसरा उनका मुद्दा था कि आपने विवाद निपटाने के लिए SDM को अधिकृत किया है कानून में और अपील सिर्फ कलेक्टर के पास होगी। हमको ये लगता था कि गांव में किसान के सबसे नज़दीक अगर मजिस्ट्रियल पावर वाला कोई भी अधिकारी है तो वो SDM ही है। बाकी जितनी भी ऐसी संरचनाएं सरकार की हो सकती हैं जहां विवाद का निराकरण किया जा सकता है, वह सब किसान से कुछ ना कुछ ज़्यादा दूरी पर होती हैं। और जुडिशियली के क्षेत्र में हमें लगता था कि छोटा किसान है, छोटा व्यापार होगा, छोटा एग्रीमेंट होगा तो वो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में फिर वकील भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तमाम कागज पत्र लगाने पड़ेंगे और न्यायालय को तो कहा नहीं जा सकता कि आप इतने दिन में निर्णय दो, और समय लगेगा, न्यायालय पर काम का बोझ भी ज़्यादा है। इसलिए हमें लगता था कि SDM को हम निर्देश कानून में बांध सकते हैं, इसलिए SDM का विषय रखा था। लेकिन उन लोगों को लगता था कि न्यायालय में जाने की सुविधा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस शंका के समाधान के लिए भी हमने यह प्रस्ताव में दिया कि भाई न्यायालय में जिस किसान को जाना हो तो ये विकल्प भी हम दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर कृषक का मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत कृषक और प्रोसेसर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, तो उनको लगता था कि ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम लोगों को इस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी और हमने उनको कहा कि भाई राज्य सरकारों को ये अधिकार देते हैं और जब तक राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था नहीं बना पाती है तब तक कोई एग्रीमेंट होगा तो लिखित में उसकी प्रतिलिपि हस्ताक्षर होने के 30 दिन के भीतर SDM कार्यालय में जमा करना पड़ेगी, जिससे वो दस्तावेज सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहे। फिर वो एक बात ये भी आती है बड़ा जोर शोर से और मीडिया के सामने भी कहा जाता है कई बार कि किसानों की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी लंबे समय से गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, अनेक कर्नाटक में, अनेक राज्यों में चल रही है, अभी तक कभी ऐसा अनुभव आया नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने इसका प्रबंध पहले से एक्ट में कर रखा था। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंतर्गत जो एग्रीमेंट होगा वो प्रोसेसर और किसान की फसल के बीच में ही होगा। किसान की भूमि से संबंधित कोई लीज पट्टा करार ऐसा कुछ भी इसमें हो नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर दोनों लोग करार करते हैं और फसल का प्रकार ऐसा है कि किसी भी प्रकार की अधोसंरचना खेत पर खड़ी करने की नौबत आती है, तो ऐसी स्थिति में जब करार समाप्त होगा तो जो प्रोसेसर है अपनी संरचना को वहाँ से उठा के ले जाएगा, और अगर वो तोड़ के नहीं ले जाता है
तो उसका स्वामी जो है वो कृषक ही होगा, ये प्रावधान हमने पहले से कर रखा है। लेकिन इसके बाद भी उनके मन में ये शंका थी कि अगर किसी प्रोसेसर ने उस अधोसंरचना पर कोई लोन ले रखा होगा तो वो निकल जाएगा और वो लोन किसान के ऊपर आएगा, तो ऐसी स्थिति में किसान को वो लोन पटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ये हम प्रावधान करने को तैयार हैं कि अगर स्पॉन्सर किसी प्रकार का लोन लेने की चेष्टा उस अधोसंरचना पर नहीं करेगा तो इससे उनकी इस शंका का भी समाधान हो सकता है। दूसरा, वो किसान की भूमि पर कुर्की की व्यवस्था की बात वो लोग बोलते थे कि कुर्क हो जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी, तो पहले से ही प्रावधान है, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वो स्पष्टीकरण का वो भी हम स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा, सामान्य तौर पर MSP की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई MSP पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि MSP चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। MSP की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय MSP घोषित कर दी है। MSP को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है, खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और MSP से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें, इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। और MSP के मामले में भी अगर उनके मन में शंका है तो हम लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं, हम सरकारों को भी दे सकते हैं, किसान को भी दे सकते हैं, यूनियन को भी दे सकते हैं। फिर एक बिजली वाला विषय था, उनको ऐसा लगता है कि बिजली का कोई एक्ट आ रहा है वो किसानों के लिए थोड़ा तकलीफ पैदा करेगा, तो इस मामले में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्टता से उन्हें कहा कि राज्य सरकारें बिजली वितरण कंपनियों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही सब्सिडी की राशि हस्तांतरित करने की व्यवस्था संशोधन विधेयक में भी रहेगी। इस प्रकार से वर्तमान व्यवस्था में किसानों के संबंध में जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ NCR ऑर्डिनेंस में ये अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें पराली वाले किसानों के लिए भी प्रावधान है, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई हम इससे सहमत हैं और निश्चित रूप से इसका समाधान हम करेंगे। और इस दृष्टि से हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया, उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है क्योंकि किसानों का विषय है और किसान ठंड में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोविड का संकट भी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के मन में भी रात दिन चिंता रहती है और इसलिए हम लोगों की लगातार पहले भी कोशिश रही है और अभी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है, आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। और मैं आपके माध्यम से किसानों को यह भी कहना चाहता हूँ कि पूरा देश इस बात का साक्षी है, 2006 में स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में भी लंबे समय तक इंतजार हुआ कि MSP को 1.5 गुना करके लागू किया जाए,
लेकिन वो लागू नहीं किया गया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए तब भी ये बात खड़ी हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से जब एमएसपी को डेढ़ गुना किया जाना है तो वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये मोदी जी की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति थी कि उन्होंने जो लागत मूल्य है उस पर 50% मुनाफा देकर और एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया और उसका लाभ आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि कुल मिला के कृषि मंत्रालय के बजट की स्थिति को भी देखेंगे तो आज 1,34,000 करोड़ है। यह जब यूपीए की सरकार थी उससे लगभग 6 गुना बढ़ोतरी है। लगातार सभी स्कीमों के माध्यम से इस बात की कोशिश की जा रही है। कई बार सरकारों के लिए बड़ा लोकप्रिय होता है, जैसे यूपीए सरकार में एक निर्णय हुआ 10 साल में 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। कर्जा किसका माफ हुआ किसका नहीं हुआ यह विवाद का विषय किसानों में हमेशा ही बना रहा, लेकिन 10 साल में 53,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना इसको बड़ी उपलब्धि यूपीए गवर्नमेंट में माना गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया हर साल भारत सरकार के खजाने से निकालकर किसानों के खाते में डालने के लिए योजना बनाई और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 10.5 करोड़ किसान को लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया गया। किसान को बुजुर्गावस्था में भी सुरक्षा सामाजिक मिल सके इसलिए पीएम किसान मानधन योजना बनाई गई, पेंशन का प्रावधान किया गया। 21 लाख के करीब किसान आज उन योजनाओं से जुड़े हैं, जो 60 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे उनको 3,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा, जो उस समय निश्चित रूप से काफ़ी मददगार होगा। छोटे किसान देश में 86% हैं और छोटे किसान के पास निवेश करने कोई जाता नहीं, उसके पास खुद के पास इतना पैसा है नहीं कि वो निवेश कर सके। वो पढ़ा लिखा भी है, जागरूक भी है और वो अच्छी खेती करना भी चाहता है और वो चाहता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, महंगी फसलों की ओर जाए, लेकिन उसको मार्केट उपलब्ध नहीं होता और मार्केट उपलब्ध नहीं होता इसके कारण वो कोई रिस्क नहीं ले पाता। इसलिए नए कानून बनाए गए हैं कि इन कानूनों के माध्यम से वह महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेगा, निजी निवेश उसके पास पहुंच सकेगा, अच्छे एग्रीमेंट करके अपने उत्पादन के वाजिब दाम प्राप्त कर सकेगा, वैश्विक मानकों के आधार पर खेती कर सकेगा जिससे कि उसके उत्पादन का एक्सपोर्ट भी हो सके। ये रास्ते इन कानूनों के माध्यम से खुलते हैं। सरकार ने नए 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है और इन 10,000 एफपीओ पर 5 साल तक केंद्र सरकार अपने बजट से ही 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। ये एफपीओ से एक नई क्रांति खेती के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली है। यह भी मोदी जी की किसान, कृषि और कृषक के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको जाहिर करती है। अभी कोविड के दौरान भी आप सबने देखा कि दुनिया में सब चीज़ें बंद हो गईं, लेकिन भारत में मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण खेती और किसानी के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो निर्णय किए गए उसी का परिणाम था कि किसान ने अपनी फसल की कटाई पूरी की, किसान ने अपनी फसल को सरकारी समर्थन मूल्य पर पूरी तरह से बेचा, पहले से अधिक पैदावार हुई, पहले से अधिक खरीद हुई, ग्रीष्म ऋतु की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई, खरीफ की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक हुई और किसान को उस बीच में भी पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डीबीटी के माध्यम से पहुंचते रहे और आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत
कृषि और संबंधित क्षेत्र में सुधार आए और निजी निवेश गांव तक पहुंचे और वो निजी निवेश के अंतर्गत जो संरचनाएं निर्माण हों वो मूल रूप से किसान के काम आए। अभी संरचनाएं जो बनी हुई हैं वो व्यापारी के काम तो आती हैं लेकिन किसान के काम नहीं आती क्योंकि वो बड़े स्थान पर बनी हुई हैं। अगर संरचना खेत के पास होगी, गांव के पास होगी, तो किसान उन संरचनाओं का उपयोग कर सकेगा, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो अन्य प्रकार की संरचनाएं हो। तो 1,00,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसे घोषित किया। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिटी के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल पार्क के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया। तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में इस बात की कोशिश की जा रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और कृषि को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। कृषि और कृषक की निर्भरता किसी पर होगी तो गांव की निर्भरता भी किसी और पर होगी, और जब तक कृषि और गांव दोनों आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के थर्ड फेज का मामला हो, चाहे मनरेगा में राशि बढ़ाने का मामला हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अभियान का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार के निवेश का मामला हो, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश की गई है कि गांव और कृषि यह आत्मनिर्भर बने, समृद्ध बने और देश के नवनिर्माण में इसका योगदान अधिकतम हो सके। इसलिए ये सब चीज़ें सिलसिलेवार एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसलिए कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे तो प्रमुख रूप से इतना ही कहना था।